अपडेट ह्यूमन। सो बूम गाइस देख लो, मतलब इतना अच्छा इस बार बना है ना। तो आए दिन एक से बढ़कर एक एआई टूल्स आ रहे हैं और गाइस एडिटर्स को सरप्राइज कर रहे हैं। क्या 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 क्या? उसके बाद आपको एडिट करने का जरूरत है ही नहीं, बस आपको कमांड देना है और आपका फोटो खुद एडिट करके दे देगा। वाओ। वैसे एक और टूल नया आया गाइस इस बार और रिसेंटली ये आया है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको एडिट कर सकते हो और उसका जो रिजल्ट है मैंने फर्स्ट में आपको दिखा दिया कैसे आ रहा था। उसके साथ साथ आप यहाँ भी देख लो कुछ ऐसे आप उससे आउटपुट ले सकते हो, खुद के फेस का बिल्कुल फेस मैच होगा। आप जैसा चाहो मैनुअल उससे करवा सकते हो, जैसे कि आपके हाथ का कठपुतली हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं अपने वर्ल्ड स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अभी आपको सिंपली क्या करना है इस टाइप का एआई फोटो क्रिएट करने के लिए, आपको सिंपली क्रोम को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। देन यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ह्यूमन जनरेटर और फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट देगा सिंपली आपको उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, क्योंकि गाइस यही वेबसाइट है जिससे आप एडिट कर सकते हो इस टाइप का फोटो। मैनुअली कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उसका पोज है, उसका जो बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर सकते हो, क्लॉथ्स वगैरह सब कुछ, बट कैसे करना है उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिक कर देना आपको, एज यू कैन सी गाइस कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम में। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये वेबसाइट जो है स्पेशली पीसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, मोबाइल में भी वर्क कर रहा है बट पीसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है एडिट करने में। तो आपको क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। अभी आपको क्या करना है बता रहा हूँ, सिंपली आपको यहाँ पर जनरेट ह्यूमन पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आपको जो अपना फोटो अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दो फोटो अपलोड करके रखा हूँ ऑलरेडी, तो ये हिस्ट्री भी दिखा रहा है मेरा। तो मैंने पहला किया था महेंद्र सिंह धोनी का, दूसरा मैंने खुद का किया था। तो अभी आपको इसको यूज कैसे करना है फोटो को मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट में आपको जिस भी फोटो को यहाँ पर एडिट करना है, मान लो मैंने दो दो किया है, तो मैं खुद का भी करने वाला हूँ और महेंद्र सिंह धोनी का भी मैंने किया था तो उसका भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने फर्स्ट अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पर आपको ब्लू कलर में अपडेट ह्यूमन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक बार में शायद ये ना काम करे क्योंकि इसका ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दो तीन बार ट्राई करते रहना है तो हो ही जाएगा आपका। एंड गाइस इस बार मेरा एक्सेप्ट कर लिया है, अभी ये जनरेट करके देगा और इस वाले फोटो में मेरा फेस अभी दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एज यू कैन सी गाइस इसने मेरा फेस यहाँ पर ऐड कर दिया है, बट मुझे ज़्यादा ही फैटी बना दिया, मैं इतना ज़्यादा फैटी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा फिटी हूँ। तो अभी सब कुछ आपको चेंज करने को मिलेगा। तो इतना होने के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपको अपना एज सेलेक्ट करना, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारा एज सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ, अभी सबसे ज़्यादा हाइस्ट आपको एल्डरनिटी मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सीनियर, उसके बाद मिडिल एज, उसके बाद अडल्ट, फिर यंग अडल्ट, उसके बाद टीनेजर। तो आप जिस भी एज में एग्जिस्ट करते हो मान लो, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अडल्ट या फिर टीनेजर में सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी, क्योंकि अडल्ट ज़्यादा एज का दिखा दे रहा है मुझे। तो फिर से मुझे यहाँ पर क्लिक करना है अपडेट ह्यूमन पर, एंड एक बार में तो नहीं करेगा ये पता मुझे, तो आपको भी ट्राई करते रहना है, जब आपका एक्सेप्ट कर ले तभी होगा आपका। तो गाइस यहाँ पर आप देख लो कुछ सीन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पर नोटिस मुझे मिल गया कि ये वाला फोटो न्यूड कंटेंट है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम हो गया। मैं फिर से अभी किसी और फोटो को अपलोड करके दिखाता आपको। तो गाइस इसने फिर से मेरा फेस चेंज करके रख दिया है और अभी मेरा रियलिस्टिक फेस लग रहा है आपको, बट इस बार न्यूटी कंटेंट नहीं बताएगा क्योंकि मैंने इस बार पहन के रखा है सब कुछ, मतलब अजय भी सीन कर दिया गाइस। तो फर्स्ट टाइम इसने क्रिएट कर दिया, बट लास्ट टाइम में मतलब सेकेंड टाइम में इसको पता नहीं कौन सा चूल चढ़ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर लिया अभी सही। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन सारे मैं बताता हूँ क्या क्या है। सो तो एज का मैं बता रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा कम एज का करके दिखाता हूँ, अभी टीनेजर में करके दिखाता हूँ। तो गाइस फिर से वही चीज़ दिखा रहा है, बट पता नहीं क्यों दिखा रहा है, तो मैं सिंपली यही कर देता हूँ अभी जो है सो। तो इसने फिर से सेम चीज़ कर दिया, बट मुझे अब आगे का प्रोसेस करना है। अब मैं तो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता अपना एज, क्योंकि एज सिंपल मेरा यहीं पर रखना है मुझे, क्योंकि ये अलग ही चीज़ बता दे रहा है। अब यहाँ पर आपको स्किन टोन दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे ब्रॉन्ज कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है,
तो मेरा फेस सही है, ब्रॉन्जी सही है। और यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो अपने फेस का कलर, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, व्हाइट करना है व्हाइट कर सकते हो, नेचुरल गोल्डन बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सभी को चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एथनिसिटी का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करना है। अब ये क्या होता है, रीजनल जो होता है, मान लो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करना है, कोई अमेरिकन है अमेरिकन सेलेक्ट करना है, अफ्रीकन, ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो मैं इंडियन हूँ, सिंपली इंडियन सेलेक्ट करने वाला हूँ अभी। तो मैंने इंडियन सेलेक्ट किया, अभी सिंपली अपडेट ह्यूमन पर क्लिक करना है फिर से। तो गाइस इसने इंडियन सेलेक्ट कर लिया और क्या ही पहना दिया है नीचे, आप देख लो, मतलब कुछ भी कर रहा है, बट हम सारा चेंज कर सकते हैं लास्ट में, इसको लास्ट में नहीं कर लेंगे आगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने एथनिसिटी को कर लिया इंडियन सेलेक्ट। अभी यहाँ पर आपको बॉडी टाइप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे कर्व दिख रहा है, तो फिट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मैं फिट हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं फिट कर लेता हूँ। तो मैंने फिट सेलेक्ट किया और देख लो आप क्या क्या हो रहा है, मतलब बता ही नहीं सकता गाइस कैसा कैसा सीन हो रहा है, बट मैं आपको लास्ट में सब कुछ सही करके दिखाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पर मेरा हेयर टाइप है, तो मेरा हेयर स्टाइल यहाँ पर रैंडम दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ अभी, शॉर्ट हेयर मीडियम हेयर, तो मैं इसे मीडियम हेयर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप खुद से कुछ भी डिस्क्राइब करवा सकते हैं इससे, मतलब कुछ भी आप कमांड दे सकते हो यहाँ से और ये बना देगा। तो गाइस ये जनरेट नहीं कर पा रहा है अभी, तो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा कभी। बट अभी आपको यहाँ पर क्लॉथिंग पर क्लिक करना है, अब यहाँ से सारा क्लॉथिंग मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरेट नहीं कर पा रहा है तो भी। अभी यहाँ पर आपको क्लॉथिंग स्टाइल जो है यहाँ पर कैजुअल लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता अभी फॉर्मल एंड अपडेट ह्यूमन। तो फॉर्मल मुझे रखना है क्योंकि थोड़ा सा क्लासिक लुक चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इसने कर दिया, अभी सिंपली मैं आता हूँ नीचे, क्लॉथिंग कलर जो है पिंक है, तो मैं इसे ब्लैक करने वाला हूँ। तो गाइस मुझे ब्लैक पसंद है इसलिए मैं ब्लैक इसको कर लिया, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने कुछ ऐसा भी कर लिया, अब यहाँ पर शर्ट पता नहीं गायब हो चुका है, तो मैं यहाँ पर स्वीट शर्ट कर लिया सिंपली, और जो मैं जींस कर ले रहा हूँ यहाँ पर, अब देखते हैं चेंज करके। गाइस पता नहीं क्या क्या बना दे रहा है, बट जो फेस वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी बनाना हो यहाँ से बना सकते हो इजीली, आप जैसा चाहो वैसा यहाँ पर बनवा सकते हो। तो गाइस देख लो ऐसा कौन जीन्स पहनता है यार, मतलब एक में पूरा फुल क्लॉथ है, दूसरे में तो गायब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जीन्स की जगह कुछ और भी कर लेता हूँ और देखता हूँ। तो मैं कार्गो कर लेता अभी, देन अपडेट ह्यूमन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ने कार को कुछ ऐसा कर लिया, और इसमें भी पता नहीं फटा हुआ कुछ यहाँ पर सीन दे दिया है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसने जैसा जनरेट किया है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, तो दूसरा है क्लॉथिंग अंडरवेयर्स, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, और क्लॉथिंग आउटवेयर्स भी है, तो मैं यहाँ पर जैकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, तो मैं यहाँ पर बॉम्बर जैकेट कर लेता हूँ सेलेक्ट एंड कर लेता हूँ अपडेट इसको। एज यू कैन सी गाइस ये लग रहा है ना, तो कुछ क्लासिक मतलब मस्त लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे थोड़ा सा आता हूँ, देन यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप बैकग्राउंड को जैसा चाहो वैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड भी अपना। तो यहाँ पर विंटेज रूम है, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर क्लिक किया था, मतलब जनरेट करवाया था लिख करके, आपने देखा था। देन यहाँ पर आपको बहुत ही कुछ मिल जाता है, तो मैं सिंपली इस वाले फोटो को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड पर, एंड थोड़ा सा वेट कर लेते अभी, एंड कुछ ऐसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ पर आपको कट कर लेना है। अगर आपको इस वाले फोटो को डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ करना है, तो इसका लिंक आपको देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका स्ट्राइक वगैरह या फिर कॉपीराइट का टेंशन है शायद, इसके चलते यहाँ पर आपको लिंक भी दिख जाएगा, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है, देन जहाँ भी पोस्ट करोगे वहाँ पर आपको इसको टैग कर देना है। अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको सिटी स्कैप एंड इंडस्ट्रियल एरिया फुट रूफ एंड बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो मैं अभी आपको सिटी स्कैप दिखाता हूँ करके कैसा होता है अपडेट ह्यूमन। सो बूम गाइस देख लो, मतलब इतना अच्छा इस बार बना है ना, मैं कोई बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं मेरे पास, अब इतना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो इससे मैनुअली। मैंने एक एक चीज़ को चेंज करके आपको दिखाया, और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यार, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना कमेंट भी ड्रॉप कर देना
कि आपको और भी कैसा बनवाना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करना बेझिझक, मैं उसका जो सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि गाइस मिडजर्नी से भी ज़्यादा एडवांस ये एप्लीकेशन है और मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छा मुझे बात ये लगा कि इसमें आप मैन्युअली सब कुछ चेंजेस कर सकते हो, और आपके सामने मैंने करके दिखाया, रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको भी डिसाइड करना है। अगर आपको वीडियो लगा सच में हेल्पफुल तो आप प्लीज़ हेल्प करो। आई होप गाइस आपने देखा वीडियो अच्छा ही लगा होगा और वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सच में अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कोई पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर दो मुझे नीचे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। कन्फ्यूजन है तो, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर दो। और गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।